नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, चक्रवात वायु के बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल जाने के कारण महाराष्ट्र में मुंबई और पड़ोस के कुछ तटीय इलाकों में बुधवार सुबह तेज हवाएं चली। मौसम विभाग ने जानकारी दी है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने चक्रवात की गंभीर स्थिति को अद्यतन करते हुए कहा कि चक्रवात पड़ोसी राज्य गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों की ओर लगातार बढ़ रहा है। IMD ने कहा है कि चक्रवात वायु बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है और इसके कारण बृहस्पतिवार सुबह 145 से 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलेगी। और भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी ने बताया कि पश्चिमी तट पर रह रहे लोगों को एहतियाती तौर पर निकालने में IAF की मदद करने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचा बल NDRF की टीमें गुजरात पहुंचना शुरू हो गई है। IMD ने बताया कि चक्रवाती तूफान के कारण अरब सागर में तेज लहरें उठ रही है जो तटीय इलाकों की ओर बढ़ रही है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले की मालवन तहसील के देवबाग गांव में बुधवार को भारी समुद्री लहरों ने तबाही मचा दी है। जिला कलेक्टर ने एक अधिकारी ने बताया कि देवबाग के निचले इलाके में स्थित रहने के कारण ये अक्सर समुद्र में लहरें उठने पर जलमग्न हो जाता है। उन्होंने बताया कि अभी तक स्थिति नियंत्रण में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को चक्रवात से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को लोगों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने का निर्देश दिया है। एक अधिकारी ने बताया कि भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना, वायुसेना और सेना की इकाइयों को आपात स्थिति के लिए तैयार रखा गया है और निगरानी विमान और हेलीकॉप्टर हवाई सुरक्षा के लिए अभियान चला रहे हैं।